गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के सामने इस वीडियो की तरफ क्लास नर्सरी का सब्जेक्ट हिंदी लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क ख ग और घ बनाना सिखाया, तो बहुत इजी तरीके से सिखाया था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग बच्चों से और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। अगर ये वीडियो बच्चे भी देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप अपने बच्चों को घर पर आसानी से प्रिपरेशन करा सकते हैं। ठीक है, क्लास नर्सरी का है इसलिए हम लोग डॉट्स नहीं देंगे। विदाउट डॉट्स हम लोग बच्चे को सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग प्री क्लास में हम लोग उनको डॉट्स वगैरह सिखा चुके होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे। आज हम लोग इस वीडियो में अंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ बहुत ईजी तरीके से अंग सिखा रही हूँ। चलिए हम देखते हैं ये जो अक्षर है अंग, ये होता कैसे, इसको हम लोग कैसे आसानी से लिखे और अपने बच्चे से लिखवाए। इस तरीके से मैं यहाँ फिर से आप लोगों को लिख कर दिखाती हूँ। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, मैं फिर से लिखती हूँ। ऐसे, एक ऐसे, फिर एक यहाँ से हम लोग ऐसे टर्न कर देंगे, बन गया हमारा अंग। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अंग अपने बच्चे को लिखना सिखाएंगे। साथ में हम लोग बताएंगे कि ये जो अक्षर हमारा है, ये हमारा अंग है। क्या है? अंग है। ये तो हमारा है अंग है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हाँ ये क्लास नर्सरी का है तो हम पेरेंट्स को साथ में बच्चे को बैठकर पढ़ाना होता है, सिखाना होता है। ठीक है, क्योंकि वो खुद पे खुद नहीं बैठेंगे। ठीक है, इसलिए चलिए हम लोग यहाँ पे अंग लिख के बच्चे को देंगे और उनसे बोलेंगे आप इनसे देख कर लिखें। ठीक है, और साथ साथ में आप बोलते चले जाए कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये अक्षर, इस अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंग बोलते हैं। ठीक है, इस अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। और फिर इस तक इसमें लाइनिंग कर देंगे। इस तरह की लाइनिंग हम लोग दे देंगे। ठीक है, इस तरह की लाइनिंग दे देंगे और बच्चे को बोलेंगे हर खंड में या फिर हर घर में आप इसे लिखो। और ये जो है अंग, जितनी दफा लिखो आप बस उसे बोलते चलो अंग। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ें हम लोग सुनते हैं या फिर बच्चे सुनते हैं वो जल्दी से क्या अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, इसलिए हम लोग उनको बोले कि आप जितनी दफा लिखो उतनी दफा आप बोलते चलो अंग। क्या बोलो? अंग। सब में ये बताते चलेंगे कि ये जो अक्षर है हमारा अंग है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से ऐसे। ठीक है, बस हम ऊपर में लिख के बच्चे को दे देंगे और फिर बोलेंगे हर खंड में या फिर हर घर में वो इसे लिखे और उतनी दफा आप बोले अंग। क्या बोले? अंग। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ही स्लोली और बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ, जिससे आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर पेरेंट्स बता रहे इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से, तो वो अपने बच्चों को आसानी से सिखा सकें। ठीक है, क्योंकि हम बड़े क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते, लेकिन नहीं, हम बच्चों को समझाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से, जितना आसानी हो जाए, जितना आसान हो उतनी आसानी तरीके से हम बच्चे को समझाएं। बस हमें उनके माइंड में सेट करना है कि ये जो हम लोग बना रहे हैं ये अंग, इस अक्षर को हम लोग अंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उनको लिखने के लिए दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखने के लिए बच्चे को दे देंगे। आप इसे पढ़ो।
ये जो है अंक है। जब हम अपने बच्चे से एक या दो पेज में ऐसे लिखवा देंगे तो फिर हम लोग उनको बोलेंगे आप जितनी दफा लिखे हो उतनी दफा आप इसको बोलो अंगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे जितनी दफा लिखा होगा ना बस आप उतनी बार अंगा बोल दो। जब वो इतनी दफा बोल देंगे ना तो उनको नेचुरली उनके माइंड में सेट हो जाएगा ये जो अक्षर है या अंगा है, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखवा दिया इसलिए उनको लिखने का भी आ चुका होगा और वो इस तरह से अगर वो इतनी दफा बोल देते हैं तो उनको याद भी हो जाएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ अंगा 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 अंगा, इस तरह से जितनी बार वो लिखे उतनी बार उनसे एक बार हम लोग रिकॉल करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए कुछ नया और सिखाने के लिए लाऊंगी जिसमें बहुत ही इजी तरीके से उस अक्षर को भी सिखाऊंगी, ठीक है। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।